तो वेलकम टू कॉमेडी सर्कस लगे रहो फिल्म स्पेशल. चलिए रिलीज करते हैं आज का प्रीमियर शो. कुछ नई कुछ पुरानी जोड़ियों के संग, लेकिन उससे पहले बुलाते हैं उनको जिनको सारा शहर लाफ्टर की लॉइनस के नाम से जानता है. यस अर्चना. अच्छा बताइए आज जो फिल्मी स्पेशल हम कर रहे हैं, सो व्हाट आर यू एडिंग टू द शो? Nothing, you're looking filmy enough as it is. तुम लग रहा है फिरोज खान की फिल्म से डायरेक्टली यहाँ पर आ गई हो. फिरोज खान आफ्टर अ सेक्स चेंज. टॉक टू फरदीन अबाउट दैट, डोंट टॉक टू मी अबाउट इट. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आज के शो में? आज के शो में एज यूजुअल आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन एंड लाफ्स. एंड बॉलीवुड का हमने पहले भी किया है, लेकिन करते ही आ रहे हैं. हाँ, लेकिन आज आई एम होपिंग दैट ये बॉलीवुड को एक और स्पिन देंगे द कॉन्टेस्टेंट्स एंड मेक मी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मी लाफ. सो आई होप दे कैन मेक मी लाफ. ओह माय गॉड, व्हाट अ टफ टास्क अहेड. चलिए विश ऑल द जोड़ीज गुड लक एंड आप हंसिएगा मत. हां, नो लाफिंग. हां, लगे रहो भाई, मेरे को हंसाने की कोशिश में लगे रहो. तालियां तो कह रहा था कि कॉमेडी सर्कस में दो गेस्ट होते हैं. हाँ, तो ये दूसरा कहाँ है रे? कहाँ है दूसरा? तो भाई हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो वास्तव में तो डायरेक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग में भी वो जिंदा जरूर हैं. तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों मारकर वास्तव फिल्म के डायरेक्टर, जिंदा मुसाफिर कांटे फिल्म के एक्टर, द वन एंड ओनली. एक मिनट, आप कौन है? हाँ, हमने तो बुलाया था महेश पांचेकर को, जिनके वो ब्लॉन्ड से बाल हैं, एक्टिंग में. ये आप सूट वूट पहनकर कौन है आप? नहीं, वो हरदम की वजह से वो लेट आए तो मैं इधर बाहर खड़ा था, मैं बोला मैं घुस जाऊँ. अच्छा, ऐसी बात है. तो क्या करने आए आप यहाँ पर? मैं भी सेलिब्रिटी हूँ. आप सेलिब्रिटी हैं? हाँ. अच्छा, कैसे? पहचान नहीं मेरे को. नहीं तो? नहीं पहचाना क्या? दत्तात्रेय हरिश्चंद्र मानजर सुंबेकर नाम है मेरा. हाँ? नहीं पहचाना? नहीं तो. वो मेरी फिल्म रिलीज हुई नहीं ना अब तक. एक्चुअली शुरू से नहीं हुई है. तुमने सच्ची पहचान नहीं मेरे को? सॉरी. ये तो अपने लोगों की मुसीबत है ना, जब फॉरेन के लोग मुझे पहचानेंगे ना तभी बोलेंगे तुम लोग बहुत बड़ा आदमी था अपने बीच. आओ, ये बम्बई में भीड़ से बहुत परेशान हो गया मैं. आओ, पसीना पसीना, बहुत गर्मी. वैसे मेरे उस्ताद हरिभाऊ पाटिल जी के गाइडलाइन दी थी मेरे को, बोले दत्तू शहर में जाएंगे ना तो तीन चीज़ की आदत करके लेना, पहली भीड़ की, दूसरी पसीने की और तीसरी पाव की. हाँ सही चाह ना, वड़े के साथ क्या तो पाव, अंडे के साथ क्या तो पाव, भुर्जी पाव, मूसल पाव, इसल पाव, पिसल पाव. वो अपने पूल देश पंडित साहब ने कहा था, मुंबई के कौवे सवेरे सवेरे काव काव करते और मुंबई के लोग सवेरे सवेरे पाव पाव करते. आओ सॉलिड है कि ना, मैं सेलिब्रिटी है कि नहीं फिर? तो देखिए अभी महेश मांजरेकर तो नहीं आएंगे, आप ही बैठ जाइए अर्चना जी के साथ बाजू में. थैंक यू, जोरदार तालियां. कॉमेडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं. जोक अगर मिसफायर हो जाए तो आंसू निकल आते हैं, आंसू निकल आते हैं, आंसू निकल आते हैं. लेकिन हमारी अगली जोड़ी की 2.5 किलो की जोक्स जब किसी पर पड़ती है ना तो लोग हंसते नहीं, हंसते हंसते हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं. सो प्रेजेंटिंग द बॉक्स ऑफिस हिट जोड़ी उर्वशी एंड शकील. बजा के बंद करो ना. हाँ जी, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं खुद फिल्म साज हूँ, खुद ही मौसीकार हूँ, सब मैं ही हूँ. नहीं, बड़ा बोल अच्छा नहीं लगता अल्लाह को. मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी मैं डायरेक्टर हूँ. स्टार्ट साउंड, कैमरा, फालतू आदमी बाहर. आप लोग बाहर जाएं भाई. अच्छा, आप लोग जज हैं. हाँ, तुम भी बैठो. मेरी हीरोइन आ जाए तो फिर मैं फिल्म शुरू करूँ इंशाल्लाह. एक्सक्यूज मी जी, आप फिल्में बनाते हैं? नहीं जी, मैं उल्लू बनाता हूँ जी. फिल्में ही बनाता हूँ. तो फिर एक बात बताइए ना. हाँ. आपने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं? मैंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं और मैं बना के भूल गया. अच्छा, वैसे मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की. मैंने आपको देखा है. रियली? आपकी फिल्म थी ना. हाँ. घोड़ी बेलगाम. उसमें आपने घोड़ी का रोल किया था, राइट? जी नहीं. लगाम का क्या होगा? जी नहीं. फिर? मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं की है. ऐसी फिल्म की ही नहीं? और देखिए, ऐसी फिल्म की नहीं फिर भी मैंने देख ली, ये है टैलेंट आपका. अच्छा छोड़िए ना इन बातों को. हाँ. मैं ना यहाँ पे आपके पास फिल्मों में काम करने के लिए आई हूँ. तो मैं कौन सा अपना तुझसे पुराना वाला चड्डा धुलवा रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? कहानी सुन लीजिए पहले आप. कहिए. फिल्म का नाम है मेरा रेसलर.
अच्छा रेसलर, बस अर्चना जी कास्ट हो जाए शकील मारूंगी फिल्म मुकम्मल हो जाएगी। अर्चना जी रेसलर है? नहीं नहीं, ये कोच है, वो तो छोटी मोटी चीज होती है रेसलर। फिल्म की कहानी सुन लीजिए। हाँ। कहानी सुन लीजिए जी। आप दुल्हन बन के कमरे में बैठी हैं। हाय, मैं दुल्हन? सच? हाँ, दूल्हा 80 साल का है। दूल्हा कमरे में आता है। अच्छा। दूल्हा कमरे में आता है, तुम्हारी आंखें मिलती हैं दूल्हे से, एक दूसरे की नजर मिलती है, एक दूसरे को पैगाम देते हो नजर नजरों में, ठीक है। दूल्हा मुड़ता है दरवाजे में, कुंडी लगाने, कुंडी नहीं है। तो फिर क्या होगा? सुहाग रात का सीन है, अब दूल्हा परेशान क्या करे। लेकिन राइटर हूं ना मैं, ऐसे ही कहानी नहीं लिखी है, धूप में बैठ के लिखी है मैंने। धूप में कहानी लिखूंगा दिमाग खुलता है, पसीने यहाँ से टपके मुंह में जाता है, ऐसी निकलती है बातें। दुल्हन कमरे बैठी है, दुल्हन ने बोला क्या करूं, उसने सोफा लिया, दरवाजे पे लगा दिया। हाय। तुम्हारी तरफ बड़ा, अचानक दरवाजा खिसका, सोफा आगे निकल गया। फुप्पी का हाथ आया, दूध का गिलास ले लो। दूल्हा परेशान, कहने तो हाथ आना शुरू हो गया, अभी तो पूरे पूरे आना शुरू हो जाएंगे। अब वो सोफा लगा लेता है और सोफे पे बैठ जाता है। दुल्हन सेज पे है, दूल्हा सोफे पे, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। अचानक लाइट ऑफ होती है, सुबह का सीन। तो बीच का सीन कहाँ गया? वो पब्लिक समझदार है, लाइट बंद हुई ना, समझ गई वो। चलो तुम, तुम्हारा ऑडिशन ले लेते हैं। तो लीजिए ना। हाँ, ये जो ना मुझे ये लुक उक ना कराओ। मैं नहीं फंसने वाला, ये जहन में रखना। तुम अपना जहन बना के आए हो, मैं घेर लूंगी, फिल्म में घुस जाऊंगी। नहीं, मैं हीरो। मैं हीरो। तुम हीरो? आईने में शक्ल देखी है तुमने अपनी? अच्छा, क्या शक्ल वाले हीरो होते तो नाना पाटेकर साहब हीरो होते। शक्ल नहीं, टैलेंट देखो। तुमने आगे बोलना मुझे, जानू मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, बस इतना तुम करो, बाकी काम मेरा। चलो आओ यहाँ से, घर चले जाओ, वहां से आ जा। अच्छा, तेरी की रेस लग रही है, आ जाओ। जानू मैं ना तुम्हारे बगैर मर जाऊं। तुम तरक्की कर ही नहीं सकती, हाथ तो पकड़ो। इसको हाथ यूं पकड़ के ना फिर डायलॉग बोलो, ताकि मेरे में एनर्जी आए। जानू। हाँ, देखना कितना बुखार है, थर्मामीटर लाइयो। अबे ये कौन सा हाथ पकड़ा है? यूं पकड़ो, यूं 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 यूं, पता लगा तुम्हें, मेरा काम भी हो गया। आओ जानू। खोल ले, यहाँ से खोल ले, यहाँ से खुलता है, यहाँ से खोल ले। हाँ चलो, बोल बोल। जानू। हाँ। मैं ना तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। या अल्लाह, मैं अपना हुस्न कहाँ ले जाऊं? मुझे क्यों हुसन दे दिया, मकनातीसी बच्चा हूं मैं तो। मैं पैदा हुआ हूं, घर के बर्तन मुझे आगे जुड़ गए, बड़म बड़म बड़म, ऐसी कशिश है मेरे में। ठीक है, तुमने बोली, एक दफा और बोलो, फिर मैं डायलॉग बोलूंगा। हाँ। जानू। हाँ। मैं तुम्हारे बगैर हाँ। मर जाऊंगी। बस जानू, एक दफा तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, ताकि मेरे दोस्तों का आना जाना लगा रहे। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, ये डायलॉग तो नहीं है, तो कोई बिजनेस शुरू हो गया। नहीं, थैंक यू वेरी मच। महेश, हाउ डिड यू लाइक दिस परफॉर्मेंस? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस, यू नो, बट जो दो मिनट उधर खड़ा रहा तो पता चलता है कि क्या होता है, एंड इट इज वेरी नाइस, एंड उर्वशी, इट वॉज वेरी नाइस। Thank you. And I just hope I could do that, but I know I can't. So great. आगे कितने एपिसोड होंगे कॉमेडी सर्कस के जहाँ पर तुम परफॉर्म करोगे और मुझे मार्क्स देने पड़ेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब ऐसा होगा तब मैं बदला लूंगी। ठाकुर, मुझे तुमने रेसलर्स का जो कोच बना दिया आज, लवली। थैंक यू। वेल ऑडियंस, इन दोनों की सारी परफॉर्मेंसेस के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू उर्वशी, थैंक यू शकील। शोले को हिट कहते हैं, आग को फ्लॉप कहते हैं। फिल्म अगर आग से भी सुपर फ्लॉप हो तो उसे स्वप्निल और वीआईपी की शोलो की आग कहते हैं। स्टारिंग स्वप्निल एंड वीआईपी। दोस्तों,
शोले एक महान फिल्म है, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक हमारी इंडस्ट्री में शोले की बहुत वर्जन्स बनी, बहुत रीमेक्स बने और बहुत लोगों ने घटिया वर्जन्स बना के इसकी धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम उससे भी एक घटिया शोले बनाएं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो माफी 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 दे देना। शर्रप चौधरी हरण सिंह चीर की पेशकश, हरियाणवी शोले 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 कटकटा सोमवार, चौधरी हरण सिंह चीर निर्माता निर्देशक, चौधरी हरण सिंह चीर दर्शक, चौधरी चीर हरण सिंह और सारा का सारा चौधरी परिवार, तो हरियाणवी शोले 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 ए ठाकुर गब्बर आर्यसे, लोग आया ना अंदर ले लो, साथ में सांबा भी से बकरिया ना भी अंदर ले लो, कालिया भी से ज्यादा इतना मरना पहला तू अंदर आ जा। और इसमें देखिए गब्बर की जबरदस्त लाइना, कितने आदमी थे बावड़े, छह सात तो मरने गिन ले, आगे मरने गिनती ना आवे, सोवर के बच्चों तुम आदमी ठीक तभी नहीं गिन सके। मैं के आदमी गिनने वास्ते गया था हैं, लुगाईया बोलता तो गिनता भी दो चार उठा भी लाता। अच्छा ए, उठा लाऊं रण दे। और इसमें देखिए वीरू की वीरता, सुसाइड सुसाइड, मर जाऊंगा लुट जाऊंगा गामड़ो सुसाइड। अरे लाला सुसाइड की होवे है, अरे भाई जब कोई साइड में सुसु करे तो उसे सुसाइड बोले है। ए भाई सुसाइड के होवे है, कुत्ते कमीने, मरने के गाली दे रहा है पूछ रहे से। मैडम मरण चढ़ा हूं, तुम अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हो। रे तू मरण वास्ते चढ़ा ना, तो मैड पतंग उड़ाने चढ़ा हूं। रे तो मर कोई ना, मर कोई ना, मासी तैयार से। अच्छा मौसी तैयार, एक मिनट, हेलो बाबू मौसी तैयार होगी, तेरा तो काम बन गया, लेकिन मारा लटका पड़ा हूँ, बसंती तैयार को ना हुई। अरे बावड़ी पूछ, मासी की उम्र देख, बुढ़िया वैसे तैयार नहीं से। अच्छा रण दे बाबू, मौसी कैंसल। और इसमें देखिए गब्बर की कुछ और जबरदस्त लाइन, तेरा के होगा रे कालिया। अरे तू आईना देख ले कौन कालिया है। अच्छा तन्ने दिखाऊं रण दे, तेरा क्यों होगा रे गोरिया। सरदार मैंने थारा नमक खाया से। अच्छा ये पता चला कि सारी नमक की गोली तन्ने खाली करी है। मन्ने पे इल्जाम ना लगा, मन्ने पे इल्जाम ना लगा, मैं पण के दूसु गाऊं ने कि सारी लुगाई नु छेड़ता कौन है बोलू। अच्छा रण दे, हां रण दे रण दे। और इसमें देखिए गरीब किसान बच्चन की भारी आवाज, यो भारी आवाज सा। हां यो से रण दे। और गब्बर की जबरदस्त लाइना, खत्म कोई होई ना, यो हाथ मन दे दे ठाकुर नाय, यो हाथ मन दे दे ठाकुर। तू किस तरह का मर्द है, मर्दों के मर्द से हाथ मांगता, छी मस्करिनी, हाथ ऊपर हाथ ऊपर, यो हाथ मन दे दे ठाकुर नाय, मैं बोलू सु यो हाथ मन दे दे ठाकुर। अरे बावड़े जो मैं हाथ तन्ने दे दू ते मारा पिछवाड़ा के तारा बाप धोएगा। पिछवाड़ा बाप तारा बाप धोएगा। रण दे, हां रण दे रण दे। और इस फिल्म में देखिए आरडीएक्स बर्मन का विस्फोटक संगीत, बूम तो महेश आप क्या कहेंगे स्वप्निल और वीआईपी के शोलों की आग की राग के बारे में? एक क्या होता है, हम लोग भी स्टेज करते, पर ये स्टैंड अप एक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग,
So let me first credit all the actors here who do it so convincingly. Aur bahut bahut badhiya. I loved it. Thank you so much, sir. Thank you. Seriously, VIP Swapnil, very cute item. Very, very cute, you know. Very well done, VIP. Very cute. And that wo jo mehboob wala jo gana bhi tumne kiya. I think ye hona chahiye tha is film mein. Aag jo bani usme ye wala hona chahiye tha. Very cute. Very nice. To audience, zordar taaliyan. नामुमकिन भी है और वो इसलिए क्योंकि हर हफ्ते यहाँ होती है परफॉर्मेंसेज नई जोड़ी नई तो बुलाते हैं इस हफ्ते की ब्रांड न्यू एब्सोल्युटली फ्रेश लॉन्च जोड़ी गौरव शर्मा विद बॉबी डार्लिंग नमस्कार अर्चना जी नमस्कार महेश जी नमस्कार हाय महेश सर हाउ आर यू हाय अर्चना हाय डार्लिंग यू आर माय आइडल माय इंस्पिरेशन हाउ स्वीट अब अपना परिचय दो देवी जी या आई एम हॉट बॉबी डार्लिंग यानी ये ऐसी बॉबी है जो ऑफिशियली जिसे हर कोई डार्लिंग कह सकता है और मैं गौरव शर्मा है बेशर्म और नाम है शर्मा खैर छोड़ो यहाँ पे क्यों आए हो भाई मैं एक प्रोड्यूसर हूँ डायरेक्टर हूँ एक्टर हूँ राइटर हूँ इन शॉर्ट जितने भी टर होते हैं वो सब हूँ और तुम्हें अपनी अगली फिल्म के लिए साइन करने आया हूँ तो यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी मुझे अपने होटल के रूम में बुलवा लिया होता यहाँ कास्टिंग करोगे कैसे यहाँ तो कोई काउच भी नहीं है हनी आउच देखो देखो मैं उस तरह का प्रोड्यूसर नहीं हूँ ओह तो फिर तुम वैसे प्रोड्यूसर हो जो एक्ट्रेसेस को नहीं एक्टर्स को अपने होटल के रूम में बुलवाते हैं खैर तुम ये बताओ तुम मेरी फिल्म में काम करोगी या नहीं हाँ ऑफ कोर्स करूंगी अच्छे अच्छे हीरो होने चाहिए हाँ अच्छे अच्छे हीरो तो राजपाल यादव चलेगा राजपाल यादव वो तो किसिंग सीन भी नहीं कर सकता जहाँ से किस शुरू होती है वहां तो राजपाल यादव खत्म हो जाता है तो फिर कौन सा हीरो चाहिए तुम्हें अक्षय कुमार से करवाओ जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगी नहीं 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 वो मेरे बजट में नहीं आएगा उसकी पेमेंट की चिंता मत करो उसकी पेमेंट मैं सीन में ही कर दूंगी वैसे मेरी पेमेंट का क्या ख्याल है तुम्हारी पेमेंट हाँ तुम्हारे चक्कर में 8-10 रेप सीन फिल्म में रख रहा हूँ उसके बाद भी तुम्हें पेमेंट चाहिए ओके ओके ठीक है थैंक यू सर कूल कूल मैं तैयार हूँ आमिर खान से बात करो ना आमिर खान आमिर खान देखो आमिर खान एक परफेक्शनिस्ट है अगर एक बार में सीन ओके नहीं हुआ तो वो 15 रीटेक करेगा वाओ 15 मैं तो 25-30 रीटेक देने के लिए तैयार हूँ प्लीज आमिर खान को जल्दी से साइन करो मुझे चाहिए आई लव यू आमिर मेरी बात सुनो देखो फिल्म में और भी बहुत अच्छे अच्छे सीन है और एक सीन तो बहुत ही प्यारा है क्या उसमें तुम पेड़ से बातें कर रही हो पेड़ से हाँ बोरिंग नहीं नहीं पेड़ की जगह कोई हीरो को रखवाओ ठीक है जॉन अब्राहम को रख लेते हैं उसमें और पेड़ में कोई खास अंतर नहीं है वाओ जॉन अब्राहम जल्दी से मेरी अच्छी अच्छी सीन लिखो ना नॉटी बॉय मैं तुम्हारे लिए ऐसा सीन लिखूंगा जिससे आग लग जाएगी आग के अलावा कुछ भी लगवा लो प्लीज आग नहीं मालूम है अभी थोड़े दिनों पहले मेरे घर के पास एक थिएटर में आग लग गई थी लोगों ने खूब तोड़फोड़ की नहीं नहीं आग नहीं मैं उस आग की बात नहीं कर रहा हूँ वैसे भी आग जैसी फिल्में मैं लिख भी नहीं सकता मैं तो चक दे इंडिया जैसी फिल्में लिखता हूँ चक दे कितनी क्यूट फिल्म थी उसमें एक मैच था मेरा बहुत ही फेवरेट मैच था कौन सा लेट मी नो ऑस्ट्रेलिया वाला नो तो इंग्लैंड वाला ना 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 आर यू मैड वो मैच जो था ना वो गर्ल्स टीम का बॉयज टीम के साथ था उसमें एक बॉय बहुत ही क्यूट था वाओ उसके थाइस कितने क्यूट थे क्या बात है क्या बात है तुम तो बहुत टैलेंटेड लगती हो अब देखना मैं तुम्हें भी ऐश्वर्या राय विपाशा बसु और प्रीति जिंटा की तरह फेमस कर दूंगा ओ रियली आपने उन सबको फेमस किया बिल्कुल ओह गॉड कैसे मैंने उनके लिए कभी कुछ नहीं लिखा हाँ आपने कभी भी उनके लिए कुछ नहीं लिखा बिल्कुल नहीं तभी तो आज वो फेमस है ओह भाग यहाँ से मुझे भी तुमसे कुछ नहीं लिखवाना अरे क्यों तुम्हें फिल्म में काम नहीं करना करना है पर तुम्हारे साथ यह सीन डिस्कस करने से तो अच्छा है ना कि किसी प्रोड्यूसर के काउच पे जाकर मैं कास्टिंग काउच की शिकार हो जाऊं थैंक यू गौरव थैंक यू बॉबी एंड जानते हैं हमारे आज के जज आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं
Bobby, you should take this up as a career, you know, stand-up comedian. Yeah. You're very good. Except don't touch your hair so much, you know. After some time, I felt like coming and pulling it. But except for that, you were awesome. You tell me you did a show with her, you dug your own grave. Nobody's going to look at you. Or another thing is, if Ramu has told everyone that I take royalty for what you all do, half the shows won't run now. Ramu will make more money than he made in company and Satya put together. But then he's a sporting guy. Someone wrote an SMS likha tha. कि रामू योर आग वाज अटर जंक एंड रिप्लाइड बैक डोंट इंसल्ट जंक सो आई थिंक यू गॉन लीप्स एंड बाउंड्स ऑलरेडी इनटू स्टैंड अप कॉमेडी एंड यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड गौरव यू नो महेश ने कहा कि हु इज गोना लुक एट यू व्हेन शी इज अराउंड वेल इन अ वे दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज जब ऐसी चीज कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो गौरव बिकॉज यू डिडंट try to overpower everything. Scene steal नहीं करने की कोशिश की. The whole act works because two people work in tandem and so it was great. It was meant as a joke. You were good also. तुमने अपना पार्ट बहुत बढ़िया तरह से निभाया. So both of you worked very well together. Very happy to see your item. Thank you, Bobby. Thank you, Gaurav. भाई फिल्में बने और awards function ना हो, ऐसा भी कभी हो सकता है. ऐसी एक फिल्म बनी थी 1956 में. दो भाइयों की इमोशनल कहानी. दो भाई, कुंभ का मेला, कट्टू एक तरफ से मलिका शेरावत आ रही हैं, दूसरी तरफ से राखी सावंत की एंट्री. कट्टू मेले में भाग दौड़, एक भागा राखी की तरफ तो दूसरा मलिका की तरफ. कट्टू दोनों बिछड़ गए, फेड आउट. 20 साल बाद बिछड़े भाई फिर मिले, लेकिन नहीं थी कोई पहचान. फिर भी भाई ने भाई को पहचाना, कॉमेडी का लहू सिर चढ़कर बोला. दोनों के नाम में पल जुड़ा था, एक था गुरपाल, दूसरा धर्मपाल. फिल्म बनी अवार्ड विनिंग. ये बात और है कि अवार्ड दिया धर्मपाल ने गुरपाल को और गुरपाल ने धर्मपाल को. ऐसे ही कुछ अवार्ड्स के बारे में बताने आ रहे हैं द यूनाइटेड पाल ब्रदर्स. सर, श्रुति ने हमको करता धरता तो बोल दिया, आपको बता दूं ये करता है मैं धरता हूं. मेरा नाम है गुरपाल और मैं हूं धर्मपाल. देखिए, कहा जाता है कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, लेकिन कॉमेडी को पहले सीरियसली नहीं लिया जाता था. जी हाँ, कभी भी फिल्मी अवार्ड होते थे तो कॉमेडी कैटेगरी के लिए कोई अवार्ड ही नहीं होता था. फिर थोड़ा इन्होंने सीरियसली लिया और कॉमेडियंस के लिए अवार्ड रखे. हम आज ऐसे लोगों को सम्मान देंगे जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में बहुत बड़ा योगदान दिया है. देखिए क्या होता है, जब ये लोग परफॉर्म करते हैं, आप इनको टेलीविजन पर देखते हैं, कोई राइटर कुछ लिखता है, आप उसका नाम क्रेडिट में पढ़ सकते हैं. लेकिन ऐसा भी योगदान आता है ऐसे लोगों का जिनको ना आप देख सकते हैं ना उनका नाम पढ़ सकते हैं. मेरा मतलब ये है उन लोगों से जो हमारे शो में आए भी हैं और नहीं भी आए. क्या बोला है सर? थैंक यू. नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या बोला है आपने, समझे नहीं हम लोग. समझा तो. देखिए, कॉमेडी के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आती है, कॉमेडी के लिए मटेरियल कहाँ से आता है, ये उन रंगीन मिजाज लोगों से ही तो आता है जो सुर्खियों में छाए रहते हैं, पेज 3 में आते हैं, हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं. सारी कॉमेडी वहीं से आती है. और आज हमने ऐसे अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया है जिनमें हम ऐसे लोगों का सम्मान करने वाले हैं और इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो पहले हम आपको ले चलते हैं ग्लैमर वर्ल्ड की ओर. द नॉमिनीज फ्रॉम द ग्लैमर वर्ल्ड आर एंड द अवार्ड गोज टू श्रुति सेठ. श्रुति सेठ, ये कहाँ थी? ये इन क्लिप्स में नहीं थी, ये हमारी श्रुति सबसे अलग है. इनका क्लिप हम अलग से दिखाएंगे, श्रुति का क्लिप दिखाया जाए. देखिए मैडम, कैसा लग रहा है, शरबत का आधा गिलास. अच्छा, ये पहले शरबत के गिलास है जो नीचे से खाली है. ये जूते में घुसी कैसे हो तुम? तो बहुत अच्छा ड्रेस पहना, पर्दे से बनवाया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. ये फूलों को पानी कौन देता है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्ट्रॉबेरी कुल्फी पे चमचम रख दिया हो. आ जा पानी की मच्छी, अब तुम्हें झाड़ू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे. तुमने ये स्त्री के पैसे क्यों बचवाए, नीचे करवा ली ऊपर भी करवा ली थी. पता नहीं ये टांगे क्यों दिखाती है हॉकी जैसी, मैंने इसके सेल निकाल लिए. श्रुति, ग्लैमर के दुनिया की ये ग्लैमर के दुनिया के इस सितारे ने इतना योगदान दिया है कॉमेडी शो में. श्रुति जी, आप प्लीज आइए और अपना अवार्ड लेके जाइए. ये श्रुति, थ्री चेयर्स फॉर श्रुति, स्पोर्टिंग श्रुति. श्रुति जी, वुड यू लाइक टू थैंक योर मम्मी और योर डैडी और शकील भाई और योर ड्रेस डिजाइनर और एनीबॉडी दैट यू वुड लाइक टू थैंक?
You know, I have to say, I'm speechless. Meri puri zindagi mein aaj pehli baar mujhe award mila. So sweet. School mein kabhi koi award nahi mila, college mein kabhi koi award nahi mila, acting ki koi award nahi mila, anchoring ki koi award nahi mila, bas kapde pehen liye, pehli baar kapde pehne ke award mila. Thank you. I would definitely like to thank my family and of course Optimystix. Lekin sabse zyada aur sabse bada thank you jayega Shakeel bhai ko. Ye cup aapke liye Shakeel bhai, nahi aap lijiye. Thank you, I'm very touched. Thank you Shruti, thank you for being such a sport. Ab hum aapko le chalte hain politics ki duniya mein. देखिए पॉलिटिक्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद कंट्री की डेवलपमेंट में ज्यादा योगदान नहीं दिया लेकिन ह्यूमर के डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया है. क्या बोला है सर? मैंने बोला है कि नहीं नहीं मैं तारीफ कर रहा था. क्या बोला? बहुत अच्छा बोला. ठीक. द नॉमिनीज फ्रॉम द पॉलिटिकल वर्ल्ड आर एंड द अवार्ड गोज टू धर्मेंद्र जी. अरे धर्मेंद्र जी का भी तो योगदान है आप पॉलिटिक्स में. धर्मेंद्र जी का क्लिप ले कीजिए. हम बात करते हैं धर्म जी से जो पंजाब में. धर्म जी कुत्ते में तेरा खून पीजूंगा. हम धर्म जी से बात नहीं करते, संपर्क कट गया. धर्म जी आज हमारे स्टूडियो में नहीं आ पाए लेकिन उन्होंने अपने बेटे सनी को कहा है कि अपने 2.5 किलो के हाथ से ये 1.25 किलो का अवार्ड लेके जाए. तो सनी बेटा जरा आना. Hi guys, how are you? पापा नहीं आए हैं, वो बीकानेर चले गए. अरे ये तो बहुत खुशी की बात है. 4 साल बाद सही लेकिन अपने वोटर से मिलने अपने इलाके में गए तो सही. वो वोटर से मिलने नहीं गए, वो तो माँ हेमा जी का डांस देखने गए हैं. क्या? थैंक यू थैंक यू थैंक यू. सर आपने अवार्ड वापस क्यों ले लिया? आपको नहीं लग रहा था अवार्ड कुछ गलत जगह पे जा रहा था? हाँ बिल्कुल गलत जगह पे जा रहा था. लालू जी का जितना योगदान कंट्री की डेवलपमेंट में उससे बहुत ज़्यादा योगदान ह्यूमर के डेवलपमेंट में है. लेकिन क्या होता है अवार्ड अगर सही जगह चले जाए ना तो कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं, गलत जगह जाए तो चर्चा होता है. अवार्ड के लिए फ़ायदा होता है सर. तो सही जगह पर जा रहा था. सही जगह पर जा रहा था. आपने खबागा वापस ले लिया. अब हम आपको ले चलते हैं म्यूज़िक की दुनिया की ओर. जी हाँ, म्यूज़िक की दुनिया के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी शोज़ में जाते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून पी जाते हैं. लेकिन हमारे यहाँ तो वो अक्सर हंसाते हैं. The nominees from the music world are and the award goes to Himesh Reshamiya. Himesh ji, कहाँ हैं आप? Himesh ji. Sir, Himesh का SMS आया है. हाँ तो पढ़िए. मुझे ये award नहीं चाहिए, मुझे रोटी चाहिए. आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसे चिल्ला के भेजा उसने, चिल्ला के लिखा. I think ये award ऐसे करते हैं उनके घर 2 गोनी आटा भेज देते हैं, वो रोटी बनाएंगे. ये अवार्ड बाय डिफॉल्ट जाता है अनु मलिक को. अनु मलिक जी, ये कौन से गाने के लिए हिमेश को अवार्ड दिया था आपने? कोई भी गाना हो, लेकिन जो भी गाना था वो गाना हिमेश ने वैसे गाया, वो गलत गाया. उस गाने को एक्चुअली हिमेश को ऐसे गाना चाहिए था कि थैंक यू अनु जी. अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अवार्ड की तरफ जिसके बिना कोई भी अवार्ड फंक्शन अधूरा है, यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. एंड द नॉमिनीज आर अर्चना पूरन सिंह. तुम्हें देखे ऐसे लगता है जैसे अर्चना पूरन जी ने शूटिंग कर ली और अपना उतार के मेकअप फेंक दिया. बीच में तो थर्ड मैन होता है गुरु, थर्ड मैन. तुम किसी एक्ट्रेस के बॉय रहे हो? हाँ. कौन? अर्चना पूरन सिंह का. अर्चना पूरन सिंह याद है ना? मेरी बहुत पिटाई होती थी. अच्छा? हाँ. क्यों? सुबह उठती इनके हस्बैंड परमीत सेठी जी एक साइड में खड़े हो जाते थे, एक साइड में अर्चना मैडम खड़ी हो जाती थी, बीच में मैं, दोनों पूछते थे बता किसके डोले ज्यादा बड़े हैं. अर्चना जी आपके लिए क्या कहूँ, कुछ दिनों बाद आपके जो है ना ये जो रिंग ट्यून आता है ना इनमें इनकी हंसी होगी. सर इस पे तो परमीत लिखा है. नहीं ओ सॉरी, वो पूरा पढ़िए ना, उसमें लिखा है हस्बैंड ऑफ, सॉरी वाइफ 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 ऑफ परमीत सेठी. अर्चना पूरन सिंह. अर्चना जी आपका भी दिल बहुत बड़ा है. नहीं शकील ने बोला ना कि जब ये अवार्ड बड़ा हो जाएगा थोड़े दिनों बाद, ये अवार्ड छोटा है ना, बड़ा हो जाएगा थोड़े दिनों बाद. देखिए अर्चना जी का इंशाल्लाह बहुत लाइफ टाइम बाकी है लेकिन फिर भी हमने मुनासिब समझा उनको ये अवार्ड देने के लिए. दरअसल क्या होता है कि कॉमेडी शो में जो भी जजेस होते हैं
बाकी लोगों की तो खिंचाई होती है लेकिन सबसे ज्यादा खिंचाई इनकी होती है और इन्होंने सब लोगों ने इतना स्पोर्टिंगली लिया है. अर्चना जी, इट्स अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. मैं बार बार जितनी बार कहूँ कम है, आप इतने स्पोर्टिंग है. इट्स फ्रॉम आवर साइड, इट्स आई थिंक फ्रॉम एवरीबॉडी साइड. थैंक यू, थैंक यू सो मच. Would you like to say something? I want to thank. I don't know what to say. I'm sorry, one second. I don't know what to say. I want to thank my cat, my dog, my neighbors, the trees in my garden. Oh my God, how can I forget this? I don't know what to say. Oh yeah, and my husband also. Thank you so much. Oh, thank you. Mummy ji, thank you so much. Thank you, mummy. Thank you. Superb. Sir, ab lage haath मौका है तो बाकी सबको भी थैंक्स बोल देते. जी हाँ, सबका तो नाम ले नहीं सकते. हाँ, लेकिन एक शख्स हैं जिनका हम नाम भी लेना चाहेंगे. भरत कुकरेती जी का राइटिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है. थैंक यू भरत कुकरेती जी. थैंक यू. हंसते रहिए, हंसाते रहिए. खुदा हाफिज. थैंक यू वेरी मच.